सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। शिक्षार्थियों, आहार विज्ञान एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे ऊष्मामिति अर्थात कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कैलोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊष्मा, और मैट्री का अर्थ होता है मापन। अर्थात ऊष्मा के मापन की विधि को हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। ऊष्मा एक तत्व से दूसरे तत्व में हस्तांतरित की जा सकती है। जिस तत्व को ऊष्मा प्राप्त होती है उसके तापमान में वृद्धि होती है, यही इसका सिद्धांत है। ऊष्मामिति रासायनिक परिवर्तनों अथवा भौतिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा के विनिमय का मापन का अध्ययन है। यह ऊष्मा के हस्तांतरण को मापने वाले यंत्र को के माध्यम से मापन करता है, और इस यंत्र को हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ऊष्मामिति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ऊष्मामिति में जीवित प्राणी द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मापन किया जाता है। इस विधि में ऊष्मा के मापन के लिए किसी जीव अथवा व्यक्ति को कैलोरीमीटर के भीतर रखा जाता है। बॉम कैलोरीमीटर अथवा चयापचयी कक्ष या मेटाबॉलिक चैम्बर प्रत्यक्ष ऊष्मामिति के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष ऊष्मामिति में ऊष्मा के मापन हेतु किसी जीव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों अथवा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा का मापन किया जाता है। ऊष्मा के मापन हेतु सुवाह्य ऑक्सीजन विश्लेषक अर्थात पोर्टेबल ऑक्सीजन एनालाइजर का प्रयोग अप्रत्यक्ष ऊष्मामिति का उदाहरण है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु बॉम कैलोरीमीटर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हम जानेंगे। किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं। बॉम कैलोरीमीटर के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है एक बॉम, जिसके भीतर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है तथा ज्वलन के लिए ऑक्सीजन भरी जाती है। एक स्टील का पात्र, जिसमें पानी की एक निश्चित मात्रा, थर्मामीटर एवं बॉम को रखा जाता है, और एक बाहरी आवरण जिसमें ऊष्मा सेपरेशन का गुण होता है। इस चित्र के माध्यम से हम बॉम कैलोरीमीटर की संरचना को समझ सकते हैं। बॉम के भीतर खाद्य पदार्थ को रखने से पूर्व खाद्य पदार्थों को एक ठोस पैलेट का आकार दिया जाता है। बॉम में ऑक्सीजन भरी जाती है। अब स्टील के पात्र में पानी भरा जाता है तथा पानी के तापमान को नोट किया जाता है। बॉम को भली प्रकार स्टील के पात्र में रखा जाता है और कैलोरीमीटर का ढक्कन बंद कर इसमें क्लैंप लगा दिए जाते हैं। थर्मामीटर को कैलोरीमीटर में सावधानीपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। अब बॉम के भीतर खाद्य पदार्थ को जलाया जाता है और जलाने के लगभग 20 सेकंड के बाद पात्र के जल के तापमान में वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थ को जलाने के लगभग 3 सेकंड के पश्चात जल के तापमान में थर्मामीटर द्वारा वृद्धि देखी जा सकती है। बॉम कैलोरीमीटर द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मापी जाती है। उत्पन्न ऊष्मा का आकलन खाद्य पदार्थ के जलाने से पूर्व तथा बाद के जल के तापमान के मध्य अंतर द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थ में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है। इस रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर उत्पन्न ऊष्मा को मापा जाता है। एक गणना सूत्र के माध्यम से पुनः इस ऊष्मा को की वृद्धि को किलो कैलोरी में परिवर्तित कर दिया जाता है। बॉम कैलोरीमीटर के प्रयोग द्वारा तीन प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों जो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, इनमें उपस्थित ऊर्जा का मापन किया जाता है। बॉम कैलोरीमीटर में ज्वलन के उपरांत इन पोषक तत्वों में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.30 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9.45 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी। आप यहाँ देख सकते हैं संदर्भ मानकों से यह जो मात्राएं हैं यह थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बॉम कैलोरीमीटर में पोषक तत्व जो होते हैं वो पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तथा ऊष्मा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। बॉम कैलोरीमीटर की भांति मानव शरीर में पोषक तत्व संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होते। मानव शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में कार्बोहाइड्रेट का 97%, वसा का 95% तथा प्रोटीन का 92% भाग ही अवशोषित किया जाता है। इस कैलोरीमीटर का प्रमुख दोष यह है कि इसमें प्रोटीन पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं नाइट्रोजन में विभक्त हो जाता है, जबकि मानव शरीर में प्रोटीन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो शरीर से यूरिया के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं। एक दूसरा दोष यह है कि इसमें फल और सब्जियों में उपस्थित रेशा भी ऑक्सीकृत हो जाता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि मानव के शरीर में रेशे का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने हेतु नहीं होता।
अतः यह कहा जा सकता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की अपेक्षा मानव शरीर में कुछ कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जानेंगे एटवाटर ब्रायट फैक्टर्स के द्वारा खाद्य पदार्थों में ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। यदि हमें पता है कि किसी खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उपस्थित है, तो इससे हम उसमें उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम जानते हैं कि 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.8 ग्राम प्रोटीन तथा 0.5 ग्राम वसा उपस्थित है, तो इन मात्राओं को हम एटवाटर ब्रायट फैक्टर के माध्यम से ऊर्जा की मात्रा निकाल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 78.2 से हमें 312.8 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। इसी तरह प्रोटीन और वसा की मात्रा भी हम निकाल सकते हैं और कुल ऊर्जा का मापन हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। अब जानते हैं बेनेडिक्ट्स ऑक्सीकैलोमीटर के प्रयोग द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है। यह एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री का उदाहरण है और यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी अकार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा ऊष्मा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से निकाला जा सकता है। यह कैलोरीमीटर बेनेडिक्ट और उनके सहयोगियों द्वारा बनाया गया था। इस यंत्र के प्रयोग से ईंधन एवं खाद्य पदार्थ दोनों के ही ऊर्जा मूल्य की गणना की जा सकती है। यह यंत्र खाद्य पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के आयतन का माप करता है और उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकिलोमीटर की संरचना के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, जो हैं एक ज्वलन चैम्बर जहां पर खाद्य पदार्थ को जलाया जाता है, एक सोडा लाइम पात्र जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए यह रखा जाता है, एक स्पायरोमीटर जो खाद्य पदार्थ ज्वलन में उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करता है, और एक मोटर बॉयलर यूनिट जो यंत्र में वायु का परिसंचरण करता है। यंत्र की सहायता से 1 ग्राम शुद्ध कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ज्वलन में उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जा सकती है और इस गणना के द्वारा हम उसको ऊष्मा में परिवर्तित कर ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। श्वसन लब्धि क्या होता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट या श्वसन लब्धि चयापचय क्रिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन एवं उपयोग की गई ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात है, जिसको RQ से दर्शाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का उदाहरण है। यह आधारित चयापचय दर की गणना करने में तथा चयापचय की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। अलग अलग पोषक तत्वों के लिए यह रेस्पिरेटरी कोशेंट की गणना भी भिन्न होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के चयापचय पर RQ.82 तथा वसा के चयापचय में RQ.7 होता है, जबकि सामान्य आहार में श्वसन लब्धि 0.82 की होती है। बात करेंगे शारीरिक ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की। इसमें कई सारे कारक हैं जो ऊर्जा की मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है आयु। शिशुओं एवं बच्चों को प्रति किलोग्राम शारीरिक भार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों में लीन बॉडी मास या वसा रहित शरीर द्रव्यमान अधिक होता है और इसलिए उनका विश्राम ऊर्जा व्यय भी अधिक होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ इस लीन बॉडी मास की मात्रा में कमी आती है, जिससे ऊर्जा की मांग में भी कमी आती है और बच्चों में शारीरिक वृद्धि हेतु और उनके अधिक क्रियाशीलता होने के कारण भी उनमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। लिंग। पुरुषों का शारीरिक आहार महिलाओं की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है, उनमें मांसपेशी ऊतक अधिक होते हैं, जबकि महिलाओं में वसी ऊतक अधिक होते हैं और वसा एकत्रित होने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है। इसके कारण पुरुषों की चयापचय दर अधिक होती है और उनमें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। अधिक बड़े शारीरिक आकार के व्यक्तियों को अधिक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक लंबे व्यक्ति के शरीर की त्वचा सतह क्षेत्र से छोटे व्यक्ति के शरीर की त्वचा सतह क्षेत्र की तुलना में अधिक ऊष्मा का व्यय होता है, जिससे उनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो लंबे आकार के या लंबे व्यक्ति होते हैं, उनकी शारीरिक ऊर्जा की मांग ज़्यादा होती है। वृद्धि। मानव जीवन में अधिक शारीरिक वृद्धि वाली अवस्थाओं में प्रति किलोग्राम शारीरिक भार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण शैशवावस्था या किशोरावस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शारीरिक ऊर्जा की मांग को व्यवसाय भी बहुत प्रभावित करता है। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक ऊर्जा की मांग अधिक होती है। जो अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति व्यायाम अधिक करते हैं, उनके शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनकी चयापचय दर भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है।
अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे किसी खदान में काम करने वाले या रिक्शा चालक या जो भी शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उनको अधिक शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि किसी ऐसे व्यक्ति जिनका शारीरिक श्रम कम होता है जैसे शिक्षक या ऑफिस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी शारीरिक ऊर्जा की मांग कम होती है। शारीरिक हार्मोन के स्तर भी इसको प्रभावित करते हैं। शरीर में हार्मोन स्तर के हार्मोनल स्राव के जो स्तर होते हैं वह चयापचय की दर एवं शारीरिक ऊर्जा व्यय को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली यदि दोषपूर्ण हो तो भी शारीरिक ऊर्जा व्यय में परिवर्तन आता है। इसका सीधा जो एग्जाम्पल है वह है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। इन दोनों ही स्थिति में चयापचय की जो दर होती है वह बदलती है और शारीरिक ऊर्जा की मांग भी इससे प्रभावित होती है। जलवायु, शारीरिक ऊर्जा की मांग को जलवायु भी प्रभावित करती है। ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्तियों को गर्म प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन का उष्णीय प्रभाव या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के पश्चात चयापचय की दर में वृद्धि देखी जा सकती है। भोजन के पाचन, अवशोषण एवं चयापचय की प्रक्रिया में शरीर के ऊर्जा व्यय में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि भोजन के उष्णीय प्रभाव के रूप में जानी जाती है। भोजन के उष्णीय प्रभाव के कारण शरीर की कुल ऊर्जा का 10% भाग व्यय होता है और इस प्रभाव को हम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन भी कहते हैं। यह प्रभाव जो होता है वह लिए गए आहार पर भी निर्भर करता है, जैसे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का उष्णीय प्रभाव वसा का अपेक्षा अधिक होता है और शरीर में वसा का चयापचय क्योंकि कुशलतापूर्वक होता है इससे थर्मिक इफेक्ट इसका कम होता है। अधिक मसालेदार भोजन, कैफीन युक्त और निकोटीन युक्त भोजन भी उष्णीय प्रभाव में वृद्धि करता है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने कैलोरीमेट्री अर्थात ऊष्मा के मापन के विषय में जाना और यह भी जाना कि हमारी शारीरिक ऊर्जा की मांग को कौन कौन से प्रभावित कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।